हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। लोकसभा के सातवें चरण के मतदान होने के साथ ही चुनावों के सभी चरण खत्म हो गए और इसी के साथ पीएम मोदी पर बनी बायोपिक का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है। 2 मिनट 12 सेकंड के इस ट्रेलर में पीएम मोदी के बचपन से लेकर पीएम बनने तक की कहानी को दिखाया गया है कि किस तरह से मोदी पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार मानते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अपना कदम बढ़ाते हैं। बता दें कि ट्रेलर की शुरुआत होती है विवेक ओबेरॉय के एक डायलॉग के साथ, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, भैया हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। वैसे अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें कई दमदार डायलॉग दिखाए गए हैं, साथ ही गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि ट्रेलर में सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी दिखाया गया है। यहाँ तक कि ट्रेलर में आपको कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए एक डायलॉग भी देखने मिलेगा। बात करें इस फिल्म की तो बता दें कि फिल्म में जहाँ लीड रोल में विवेक ओबेरॉय हैं, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोल में मनोज जोशी नजर आएंगे। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहले 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फिल्म पर बैन लगाया गया और अब फाइनली ये फिल्म 24 मई को रिलीज होगी। आपको बताते चले कि इससे पहले फिल्म का एक और ट्रेलर और कई पोस्टर्स रिलीज किए जा चुके हैं और अब रिलीज के महज 2 दिन पहले मेकर्स ने इसका दूसरा ट्रेलर रिलीज किया है, जिसे लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वैसे आपको फिल्म का ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यार, इट वाज अ बिग चैलेंज, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज एन एक्टर एंड ऑल थैंक्स टू संदीप सिंह फॉर ऑफरिंग मी दिस रोल। यू बेली गेट एज एन एक्टर द चांस टू प्ले अ लेजेंडरी कैरेक्टर लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एज एन एक्टर। वी हैड अ गुड टीम, 9 लोग क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी, प्रोस्थेटिक्स से लेकर मेकअप डिपार्टमेंट से लेकर हमारे पूरे टीम ने उसमें बहुत एफर्ट किया एंड आई थिंक लोगों को फिल्म में पसंद आएगा। I think it was very simple to produce this film, but it has become very difficult to release this film. so I think shooting was very nice. It was the most memorable shoot of my life, but releasing has also become the most memorable part of saga. My life, saga actually. Okay, wait, sir, apart from the acting, you're also being. Written the dialogues and the screenplay of this movie, and also you have sang or rapped in the movie. So which part you have enjoyed the most? मैंने कोई याद है आपको, क्योंकि हर पार्ट में मैंने को राइट किया है। अनिरुद्ध और हर्ष ने मेरे साथ में बहुत मेहनत की। आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू माय राइटर्स, दे हैव वर्क डे एंड नाइट एंड गिवन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। आई वाज जस्ट देयर, लिटिल बिट सपोर्ट मैंने किया एंड संदीप आल्सो। कभी कभी क्या होता है, इन सम टाइम व्हाट हैपेंस, वी गिव क्रेडिट एंड वी बिकम वेरी मॉडेस्ट because we are very very particular about that I am an actor, but I will say that if Vivek was not there as a writer in this film, which he never asked me, I don't think till the trailer release he knew that he's getting the credit in screenplay and dialogue. So honestly the writers came up to me and they told me ki please it's a request, give his name because he has contributed equally, because what knowledge he comes from, we don't have that knowledge of either filmmaking, either of politics, or neither of the man. In spite of doing so much of research, what he used to get it, not in terms of research, yes, research they did it, but the way we have to show it to the audience, what kind of dialogues will be there, how the screenplay should be told, everything he used to sit and narrate after the film, before the film, on location, so many times to various people. And what the best part about him is, that he is not an overconfident person. He doesn't say, this is final, do it. What he says, if he doesn't get my time or Umang's time or the writer's time, he starts narrating it to his makeup person. He starts narrating it to the assistant. Then he says, does it sound properly? So that is what I like. There is no ego. This is the final thing. I have done so many films. I have been in the industry for last 19 years. So you all don't have to say.
he used to take contribution from even a small people, and that is what even I learned from there. Because before this film, I should not take contribution. I say we have to make the film and we have to show it. Later, what happens? But in this film, I think I learned this from you. We have to take contribution from the beginning and then present it to the audience. So it was the reverse psychology which he played with us. Okay, yes, sir. Have you got any feedback from Modi ji while filming or after the completion of the film? Before now. That's between him and us. Okay, the Modi movie has now become a propaganda movie. What's your thought? It has become a propaganda film? Yeah. Oh, okay, so let me correct you. So because people are saying that. That's right. So what's यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हम अपनी फिल्म बना रहे हैं. वी हैव मेड अ फिल्म विद ऑनेस्टी एंड संदीप हैज प्रोड्यूस्ड मेनी अमेजिंग मूवीज बिफोर पीएम नरेंद्र मोदी. ही हैज अ वेरी क्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क एट अ वेरी यंग एज. इट्स अनफेयर टू जस्ट से ये प्रोपागेंडा फिल्म है. दिल से बनाई है यार, झूठ बोल रहे हैं लोग. सो इट्स नॉट ओनली प्रोपागेंडा, लेट मी पुट मोर थिंग्स टू दैट. दे हैव सेड दैट दिस फिल्म इज फंडेड बाय बीजेपी व्हिच इज नॉट. We belong to BJP, which is not. He belongs to BJP, which is not. Because I've seen him in films, I think, before this. So I don't know from where he belongs to BJP. We are laughing, but when this acquisition used to come to us, we were shocked. Ki, matlab, now what will happen to a film, whether it will release or not? Then all the producers belong to BJP. What all has come? And so all this has been proved. And all this, I think, we have been given justice by all the courts, whether it was Bombay High Court, whether it was Delhi, whether it was Supreme Court. And by door to door, they have gone and appealed that this film should be banned and it should not be released or it should get postponed. And door to door, we have gone, ki, please let this film release. It should not be banned and it should not I be know, postponed. I know, yeah. So, okay, difficult time. Initially, this movie was to release on 5th April. Now it's releasing on 11th April. Was any particular reason? हाँ, यही सब चक्कर काट रहे थे हम. कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे के चक्कर और कभी कोर्टों के चक्कर काट रहे थे. बट फाइनली आई थिंक 11th अप्रैल को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन ब्लेसिंग. अगर आपके साथ सच्चाई है तो सब अच्छा ही होगा. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट 11th अप्रैल यार. लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम एंड सेलिब्रेट दिस फिल्म विद अस. ओके सर, आपको शायद पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं मुंबई. सो आर यू प्लानिंग टू गिव एनी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिम? I think he's a man who keeps working. People say he when he sleeps and when he gets up. So I think he has a lot of other work for the country. In 2 hours, he can do anything. So, and that he's proved in last 5 years. So I think he'll do better work than watching a film. But we'll be honored if he watches our film and calls us, or if even if we get a compliment from him. Okay, Vivek sir, last few questions. आपको बहुत ही प्यार मिला है बॉलीवुड में. Now in South also, the Lucifer is getting a huge response. It's inch to a 100 crores. So how you feel or how different is what to work in Bollywood and Tollywood? यार बहुत खुशी होती है. चाहे कोई भी भाषा में आपकी फिल्म जब इतना अच्छा करे and people are giving you so much love and respect for your performance, it's lovely. Mohanlal ji is a legend. Working with Lalitan after 16, 17 years since Company was an amazing experience. Prithviraj was fabulous as an actor and now as a director. Manju Warrier, again another legend. They have so many national awards between them that I don't have that many numbers in my phone. They've done really, really well. And it was a pleasure working with them and an experience to remember and cherish. ओके सर, जैसे कि आप पता ही होगा, यू हैव इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स और यू आर ऑलवेज देयर फॉर एनी सोशल कॉज. इज देयर एनी प्लानिंग ऑफ योर्स टू जॉइन पॉलिटिकल इन फ्यूचर? आई एक्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. सो नॉर्मली पीपल राइट, तो लोग अभिनेता से नेता बनते हैं. मैं तो नेता से अभिनेता बना हूँ. आई वॉज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी. सो ये सब बचपन में कर लिया. नाउ आई एम enjoying acting and I also say na ki MP banne ka kya fayda jab aap PM ban sakte hain. Okay, lastly 11th April ko release hone ja raha hai, so what do you like to say to your fans and audiences?
बस ये आइए फिल्म देखिए 11th अप्रैल को, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, यू सर्टिफिकेट की फिल्म है, पूरी फैमिली आके देख सकती है. इट्स अ फिल्म अबाउट अ पेट्रियट, फॉर एवरी सिंगल पेट्रियट. आओ अपने बच्चों को लेके आओ और देशभक्ति की एक फिल्म दिखाओ यार. प्लीज वॉच अ फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 11th ऑफ अप्रैल एंड इट्स अ फिल्म विच विल इंस्पायर यू टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री. थैंक यू. तीसरा तो कोई नहीं चेप रहे हो ना इसी में सेटअप में.